मुंगेर जिले में हर तरफ बाढ़ मचा रही तबाही। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ का कहर जारी। मुंगेर बरियारपुर मुख्य मार्ग पर भी चढ़ा बाढ़ का पानी। इस बाढ़ से लगभग 80,000 से ज्यादा लोग हैं प्रभावित। दरअसल मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से अब तक इलाके में बाढ़ की स्थिति भयानक हो गई है, जिससे कि अब बरियारपुर में NH-80 पर भी पानी चढ़ने के साथ शहर के निचले इलाके के सड़क और आंगन के घर के आंगन में पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं दियारा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोग शरण लेने शहर पहुंच रहे हैं, तो वहीं मुंगेर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सीताकुंड चंडिका स्थान में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गंगा का जलस्तर 39.92 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि डेंजर लेवल 39.39 है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने का पूरा अनुमान है। वहीं बरियारपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग में फुलकिया कल्याणपुर से ग्रामीण बैंक कल्याणपुर हटिया से लेकर बंगाली टोला एवं रघुनाथपुर के समीप NH-80 पर पानी आ गया है। NH-80 पर पानी आ जाने से छोटे वाहनों के परिचालन में काफी परेशानी आ रही है। इसके अलावा एक आपको बता दें, काशी सहित कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। तो वहीं बरियारपुर थाना रोड पूरी तरीके से जलमग्न है, लोग पानी में होकर आवागमन कर रहे हैं। तो वहीं बरियारपुर खड़गपुर मुख्य मार्ग के लोहची के समीप भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। तो वहीं मुंगेर शहर के लाल दरवाजा लल्लू पोखर खानकाह रोड आदि जगहों पर पानी आ जाने से लोग परेशान हैं। मुंगेर सदर प्रखंड क्षेत्र का भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर वहीं गंगा का जलस्तर आज स्थिर होने की संभावना है। फिलहाल इस बाढ़ से लगभग 80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। पूरा पानी व्यवस्था नहि, खाय के उपाय छै नहि, करय के उपाय छै नहि, जारण के व्यवस्था छै, की की हमें करबै ओहि पानी में। कहाँ पे सड़क पर, सड़क पर छियै गाँव सिकली का। हाँ कोई नहि लै देख सुन करल, तब ना हमें सब एना कर लिए। हमरा आर कोई व्यवस्थे नहीं छे, चौर में इतना पानी छे, भर छाती केना उपकी डुबकी गावे छी। मांग छे हमरा, खाल चाही, पन्नी चाही, रहबै तो पानी को तनी गो सरको पर। की नाम भले अपने के? सुखनी देवी। कौन सा गांव छे अपने के? मुंगेरी मंडल टोला 7 नंबर यार। 3-4 दिन से छे। स्थिति तो देखिए रहलिए सर, सब पानी पूरा छे, एकदम डूब भैस गेल छे। आदमी गाय भैस सब के दिक्कत छे, आदमी के रहे में दिक्कत छे। 80 के स्थिति दोनों जगह एकदम बेहतर छे। यहाँ से बचाए से लेके काला रामपुर तक पानी आ गया है। पानी एकदम रोड पूरा दिक्कत है कि भर जाम पानी है। क्या नाम है? नरेश कुमार। गाड़ी मोटर चलना मुश्किल हो गया है। कहाँ पानी आ गया? पानी उदयपुर में, उदयपुर में बजरंगबली उदयपुर पानी आ गया। और नेशनल हाईवे की क्या स्थिति है? नेशनल रोड पूरे चक्का जाम हो गया, देखते हैं पानी पूरा इतना तो पानी है। आने जाने दिक्कत हो रहा है? आने जाने में दिक्कत होता है, ऑटो वाला के भी, टोटो वाला के भी। हाँ, अरे पूरे बिहार में समस्या है, पूरा बिहार में समस्या का। मेरा संजीव कुमार। की दिक्कत? पानी हो गया है घर में, तो घिरे रहते हैं उठ। क्या सरकार तरफ से कहाँ कुछ मिल रहा है? मवेशी दिक्कत है, आदमी दिक्कत है खाने पीने में। अब इससे ज्यादा आगे आगे बाढ़ से ज्यादा अभी बाढ़ से हर साल यही स्थिति होता है। हाँ, घर में अभी बैठे होना पानी। कहाँ रहते हैं भैया? देखिए वहाँ पर देख ही रहे हैं, पूरा एकदम जलमग्न है। लाल दरवाजा मिर्ची तला और लाल दरवाजा का जो दीरा है, दीरा क्षेत्र में पानी 5 दिन पहले से आया हुआ है। पूरा झंडा ध्वस्त हो गया है, किसान सब मर रहा है, गाय भैंस का बहुत खिलाने में, चारा खिलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। यही सब समस्या है सरकार। और क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? और घर में भी पानी घुस गया, पहले जिसका जिसका निचला घर है उसमें पानी घुसा, नाला का पानी घुसा, उसके बाद बाढ़ आ गया, अब रोड पर आ गया पानी। बहुत समस्या है, खाने पीने की समस्या, जो गरीब गुरुआ है उसको ज्यादा दिक्कत है। क्या नाम आपका? संजय कुमार यादव, लाल दरवाजा।
यहाँ का संसद जो है निकम्मा है, यहाँ वोट लेता है पैसा के बल पे, ठीक ना, ठीक। और पब्लिक मर जाए, हैरा जाए, संसद महोदय को कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि विजयनगर में उसको वोट मिला है, और वोट मिलने के पश्चात यहाँ पे ग्रामीण जाम किए हुए हैं, और सांसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है। खतरा निशान से पार हो गया है, न यहाँ डॉक्टर है, न यहाँ मरीज है, न कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। ये आप लोग का आप लोग का जो क्षेत्र है ये कितने दिन से पानी से ग्रसित है? कम से कम यहाँ पे 10 दिन से पानी में डूबा हुआ है ग्रामीण सब। और 10 दिन से अभी तक चाहिए, 10 दिन से अभी कोई कार्यकर्ता आपके क्षेत्र का जो है कोई नहीं आया है संरक्षण करने, कोई नहीं आया है? चलो ना भीतर हम देखियो के नौ घर छे, बैठल रहिए, बैठल रहिए। कब सही पानी अइल है? की परेशानी होय छे पानी अइलाक बाद? की परेशानी की करे, घर भी बनाए लगे बनी रहे छे, हम सब के इंदिरा आवास से को मिलो छे कुछ बस। की नाम होले अपना के? हमरा तो ई मूर देवी। कहाँ घर होले? घर तो हमरा यही चोरगांव में होबे कर। धन्यवाद। लेकिन फ्रेंड है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल के बाद से पानी कम होना प्रारंभ हो जाएगा, और आगामी 2 से 3 दिनों में आम जनमानस को इससे राहत प्राप्त होगी। देखिए, हम सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने अपने पंचायत में जहाँ सुरक्षित है ऊंचे स्थान है वहाँ पर रहें। वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जो निकटवर्ती बाढ़ का राहत स्थल चयनित किया गया है प्रशासन के द्वारा, आप वहाँ पर जाएं। हमारे सभी जिला प्रशासन की टीम एक्टिव है, और जहाँ जहाँ से हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है सभी लोगों को पॉलीथीन, सूखा राशन और आवश्यकता पड़ने पर कम्युनिटी किचन अभी उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर अमरपुर में अभी चालू। देखिए, जो अपने जिले में 5 अंचल बाढ़ से प्रभावित है, सदर अनुमंडल के 4 अंचल और हवेली खड़गपुर, लगभग 15,000 से अधिक पॉलीथीन का वितरण कर दिया जा चुका है, और इसी प्रकार से 12,000 से अधिक फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, विभिन्न अंचलों के लिए गाड़ियां लगी हुई हैं और सभी जगह पूरा लोडिंग का कार्य किया जा रहा है। सभी जगह पुलिस के सहयोग से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पॉलीथीन का एवं फूड पैकेट का वितरण कराया जा रहा है, और हम लोग भी अभी फील्ड में निकल रहे हैं। माननीय विधायक जी भी अभी आए थे, सदर विधायक, सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और सभी लोगों को राहत मिले इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो मेडिकल टीम है सभी अंचलों में घूम करके लोगों को आवश्यक सुविधा प्रदान कर रही है, पशु चारा भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और सभी अंचलों में कुल मिलाकर के 72 नामें चलाई जा रही है। फूड पैकेट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिवड़ा दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, गुड़ भी है उसके साथ में, जहाँ चीनी आवश्यक है चीनी भी दिया जा रहा है। अंदर आप जाकर के देख सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता की सारी सामग्री दी जा रही है।